जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। भारत में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश होने के साथ साथ आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ सनातन देवी देवताओं के कई छोटे, विशाल और ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। भारत में हर गली मोहल्ले में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास लगभग हजारों साल से भी अधिक पुराना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार में मौजूद प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका इतिहास काफी पुराना है और काफी रोचक भी है। आइए जानते हैं। ये मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इस मंदिर को बिहार के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर लगभग 1700 साल पुराना है। बिहार में स्थित यह मंदिर पंवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत है। इस मंदिर के चार प्रवेश द्वार थे, लेकिन बाद में तीन प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था। इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। इस इलाके में चंड और मुंड नाम के असुर रहते थे, जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब यहां पहुंची तो सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया था, लेकिन माता इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद ये जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्य व प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मां वाराही रूप में विराजमान है। वहीं मंदिर के भीतर भी ऐसी भव्यता और बनावट है जो मंदिर को और भी आकर्षक बना देती है। मंदिर के अंदर दो ऐसे रहस्य है जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी आंखों से देखते भी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि की प्रथा है। माता से मांगी हुई मनोकामना पूरी हो जाती है, वे इस मंदिर में आकर बकरे की बलि देते हैं। लेकिन यहाँ की बलि दूसरी किसी भी जगह की बलि प्रथा से अलग है। यहाँ माता के चरण में बलि भी चढ़ जाती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता है। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के समक्ष लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं। बकरे को माता के चरण के सामने रख देता है और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कते हैं। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। कुछ देर तक बकरा अचेत रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं, तो बकरा ऐसा जगता है मानो वो नींद से जागा हो। इस प्रकार बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसे देख भक्त माता का जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं। चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता है। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में छुपा हुआ है ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान या समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। मां मुंडेश्वरी मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में यह शिवलिंग स्थापित है और बेहद प्राचीन है। सुबह में जब लोगों की दृष्टि पड़ती है तो इसका रंग अलग रहता है, दोपहर में रंग अलग और शाम होते होते रंग फिर से बदल जाता है। मंदिर धार्मिक लिहाज के साथ साथ रहस्य के लिए भी देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा सुन लोग खींचे चले आते हैं। अद्भुत इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से जुड़ा है। कहते हैं कि माता के द्वार पर आकर जो भक्ति का प्रसाद मिलता है वो अनोखा एहसास है। मंदिर में तो ऐसे सालों भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और माता की भक्ति में डूब जाते हैं। मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच है, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत अच्छा होता है। अगर आप भी इस मंदिर में आकर दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पटना, गया या वाराणसी होते हुए सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन मोहनिया
भभुआ रोड रेलवे स्टेशन है। यहां से सड़क मार्ग से मंदिर 22 किमी दूर पर स्थित है। पहाड़ी के नीचे कई सारे होटल्स हैं जहां आप रुक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।